वेरी ऑनेस्ट, आप लोग की दुआ मन्नत प्रेयर के बिना पॉसिबल नहीं था। भगवान की तरफ से मेरे लिए ना ये दिवाली का बोनस है। आज यहाँ पर फुटबॉल मैच है बच्चों का। यहाँ पर देखो उनके माँ बाप बैठ के देख रहे हैं। ब्यूटीफुल फीलिंग, ब्यूटीफुल फीलिंग। मेरा बड़ा मन था यहाँ पर बैठ के देखने का, लेकिन इवाना को भूख लगी है तो हम लोग को जाना पड़ेगा। केम आउट फॉर अ लॉन्ग वॉक, मस्त वॉक किया। ये देखो ये जो ब्रेड खा रही है ना, 10 बार तो गिराया है इसने, मेरा मुंह पोछा सब पोछा। और अभी इसको अच्छी चीज़ दो तो मैडम खाती नहीं है। टॉडलर का क्या घटिया फेज रहता है, सब कचरा खाएंगे। And when things are really tough and they're really rough and nothing's working. आज सुबह हमारी शुरुआत बहुत ही लो फेज में हुई, लेकिन बोलते हैं ना ऊपर वाला देखता है कि इनका पेशेंस कितना है। एंड फाइनली हमको गुड न्यूज मिल गई, हमारा डॉक्यूमेंटेशन सब हो गया, बस पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट भी मिल गया ना, मिल गया। वो टेंशन नहीं है, अभी सब अच्छे से हो जाएगा। एंड अभी हमने डिसाइड किया था जैसे ही इमाना का सब डॉक्यूमेंटेशन जो मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम उसका फेस्टिवल करेंगे। लेकिन शैनिस बोलती हूँ मैं उसको अच्छे से सजाऊंगी, बस सजाने का क्या, जस्ट खाई को क्या वैसे ही करेंगे। सब पुराना पुराना जो है जो हमने शुरू से लिया हुआ है, स्पेशली जो स्काई को, स्काई ने कैसे रिएक्ट किया था हॉस्पिटल में, इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट एवर। और अभी कैसे आप हमारी काइंड ऑफ डिजिटल फैमिली हो, क्योंकि आपने हमको बहुत पहले से देखा है। कोई नया ऑडियंस के लिए हम कुछ नया कुछ नहीं बोल रहे, जो हमें देख रहा है उसके लिए ही बोल रहे हैं। तो इट विल बी सच अ, जैसे हम फैमिली को कैसे बता रहे हैं, जैसे मेरी मम्मी को कैसे बताया था, इसकी मम्मी को कैसे बताया था, वैसी वाली हमको फीलिंग आने वाली है। वो देन फाइनली वी गॉट एन अमेजिंग न्यूज। शैनिस was like Shanice पीछे खड़ी थी और Shanice का reaction देखो। अभी देखो ये vlog में आपको मेरी आवाज में पूरा पूरा difference feel होगा। वो कहते हैं ना कि आदमी चाहे 9 घंटा सो ले या 12 घंटा सो ले, लेकिन उठने के बाद अगर वो फ्रेश नहीं होता, मतलब वो पॉटी नहीं करता ना, तो वो उसके अंदर वो ताजगी नहीं आती। बस वैसे ही हमारा था कि हम बहुत खुश थे, इंजॉय कर रहे थे, मौसम अच्छा था, कितनी गर्मी हो गई, लेकिन जब तक साला पूरे पेपर वर्क खत्म नहीं रहे थे ना, तब तक वो ताजगी नहीं आ रही थी। अभी आ गई। एक्चुअली बहुत ज्यादा गर्मी, धूल, मां कसम। आई लव यू कैनेडा पोस्ट, ओनली शैनिस एंड आई नो। भाई साहब बता रहा हूँ ना, मैं आज इतना पम्प्ड हूँ ना कि मैं ये रोड पे ना 45 किलोमीटर के आज की स्पीड से मैं स्केटबोर्डिंग कर रहा था। And I had to tell myself कि भाई आराम से शॉर्ट्स पहने, जीन्स भी नहीं पहने, गिर विर गया ना तो लेने के देने पड़ेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोग की दुआ मन्नत प्रेयर के बिना पॉसिबल नहीं था। भगवान की तरफ से मेरे लिए ना ये दिवाली का बोनस है। भगवान बोलता है कोई टेंशन नहीं बेटा, तू इंडिया नहीं जा रहा, यहीं पर तेरी दिवाली अच्छी मनेगी और ये रही तेरी मिठाई। तो क्या निखिल भाई फोन से ब्लॉग कर रहे हो, कैमरे से करो। देखो भाई मेरा भी मन तो कैमरे से ही रहता है, लेकिन क्या है ना जब बाहर बच्चों के साथ जाओ तो कैमरा लेके जाना पॉसिबल नहीं होता। एंड जो मैं लास्ट टाइम गलती करता था वो मुझे नहीं करना है। आई वॉन्ट टू शूट अ ब्लॉग व्हेन आई एम आउट, बट देन आप लोग बोल रहे हो तो देखो आज अपन फोन से नहीं कैमरे से कर रहे हैं इसके लिए। और क्या मैं खुश था शैनिस, आहा क्या हवा थी, खोलते थे। इतनी गर्मी क्यों है आज? और इन लोग का हीटिंग कूलिंग सिस्टम पता है कैसा है, कि अगर आपको चाह के भी ठंडा करना है तो नहीं होगा, बिकॉज उन लोग का पूरा सेंट्रलाइज ही वार्म है। तो हम कितना भी ठंडा कर ले वो एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही ठंडा होगा। और गर्मी में उल्टा होता है, आपको अगर बहुत ठंडी लगे आप गर्म करो तो एक सर्टेन टेम्परेचर तक ही ठंडा होगा। वट एवर इट इज आई एम हैप्पी। पेपर वर्क तो लेके आया, शैनिस के लिए खाना भी लेके आया। शैनिस बोलते तो अपने लिए खाना नहीं लेके आया। तो देखो कल थी करवा चौथ, हम लोग भूल गए, और शैनिस नहीं, मैं भूल गया, मुझे नहीं पता था। तो शैनिस ने ऑफकोर्स नहीं बनाया बिकॉज वो हील कर रही है अभी, बट मैं रखता था। फीड कर रही है, हील भी हो रही है बॉडी, तो मुझे नहीं पता था वरना मैं रखता। तो उसी के लिए मैं अभी आप भी से 24 घंटा मैं नहीं खाऊंगा, कुछ चांद वांद दिखने का कुछ सीन नहीं, बस अपने आप को बोलने के लिए कि भाई अपनी बीवी बच्चों के सलामती के लिए कर रहा हूँ। सुबह एक्चुअली स्काई ने मुझे वो मेथी रोटी का टुकड़ा खिला दिया था, तो मैं सुबह का काउंट नहीं करता, लेकिन उसके बाद से सीधा 24 घंटा, मतलब आई थिंक मैंने तीन, अभी दोपहर के 3 बजे से कल नहीं, अगले साल अलग करेंगे। देख शैनिस आई लव यू गाइस, ऊपर वाले ने मुझे इतनी प्यारी फैमिली दी है, मेरे को एक थैंक यू बोलने का, तो मैं फैमिली के लिए कर रहा हूँ, हाइब्रिड वर्जन कलयुग है ये, फैमिली के लिए कर रहा हूँ। ऊपर वाले को थैंक यू बोलने के लिए थैंक यू गॉड। एक 24 घंटा फास्ट रखने से क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होता, लोग तो हफ्ते भर रखते हैं। तो छोटा सा अप्रिसिएशन है, क्योंकि मुझे एक लगती है बहुत जोरों की भूख, प्रोटीन पीना खाना अपने को बहुत अच्छा लगता है, तो सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। हाँ
She's doing baby's a tummy time. Baby's exercising. और अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको करनी है वो करनी है कि हमको फ्लाइट टिकट जो है बुक करनी है। लेकिन शानिस तूने फ्लाइट टिकट का कॉस्ट देखा? देखा ना, देख के ऐसा शॉक लगा कि क्या बिजनेस क्लास की टिकट के कॉस्ट में इकोनॉमी की टिकट पड़ रही है भाई। बहुत महंगी होती है। मैंने तो अब तक सिर्फ जोक सुना था कि ड्यूरिंग दिवाली टिकट महंगी होती है, लेकिन आज देख ही लिया। हाँ, एंड ऑनेस्टली टोरंटो से मुंबई ज्यादा महंगी पड़ रही है और वाया वाया जाना पड़ेगा। और अगर यहाँ से हम न्यूयॉर्क चले गए कैसे भी मैनेज करके, तो वहां से टिकट है 1/4 द प्राइस पड़ रही है। कल की बात यह कि मैं सुनता था सब, बहुत सारे हमारे जो यहाँ पर फ्रेंड्स हैं इंक्लूडिंग हैप्पी या बख्शीश भाई कभी जाते थे तो लोग न्यूयॉर्क से जाते थे, क्योंकि मुझे लगता है इतना क्या को जा रहे हैं न्यूयॉर्क से। लेकिन जब आज मैंने प्राइस डिफरेंस देखा, लिटरली वहाँ पर बिजनेस क्लास ले सकते हैं न्यूयॉर्क में, यहाँ पर इकोनॉमी उतने की आती है। और अभी तो आपको पता है, अभी जस्ट न्यूज़ देखा, वो 1 नवंबर से 19 नवंबर तक मत उड़ना, क्या ये फालतू का चीज़ है। मतलब सब कुछ एक साथ होना है ना शानिस, बट कोई नहीं, हम कर रहे हैं अभी कुछ। हमारे लाइफ में कोई एडवेंचर ना हो ऐसे हो सकता है कभी? निखिल शानिस, जब से मिले एडवेंचर ही एडवेंचर हो रहा है। जब भी यहाँ तो ज्यादा एडवेंचर होता है। बट देन हम लोग बहुत एक्साइटेड है, फाइनली टिकट खोल के आज जो बुक कर रहे थे। डूड, 90 डेज के ऊपर हो गया है, 3 महीने के ऊपर हो गया है। ऑल्दो इट वॉज वेरी स्मूथ बिकॉज समर था, अच्छा खासा टाइम मिला हम लोगों को। बट देन आफ्टर इवाना, 2 बच्चों के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था भाई, बिकॉज हम लोग अभी ज्यादा बाहर जा नहीं पा रहे। स्काई के टाइम पे क्या था कि बर्फ वर्फ देखने को मिली। नहीं नहीं इवाना, यू आर वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर अमेजिंग, लाइफ इज ब्यूटिफुल विथ यू। मतलब थोड़ा तो चुप हो गई। देख चुप हो गई स्काई। तो लिटरली अगर शानिस का अपॉइंटमेंट नहीं होता तो प्रोबेबली हम लोग शायद दिवाली के दिन चमत्कारी रूप से लैंड कर देते। हाँ, एक्चुअली दिवाली के पहले चले जाते हैं हम, पर मेरा लास्ट अपॉइंटमेंट है एंड उसके बाद ही मुझे पूरा प्रॉपर डिस्चार्ज मिलेगा। बिकॉज ये लोग बोलते हैं 6 to 8 weeks देखना पड़ता है। नॉट ओनली मी, दे विल डू द फाइनल चेक्स ऑन हर 1 more time एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर, उसके बाद ही जाने देंगे। इसलिए बेटर कि सब काम खत्म करके ही जाओ। जैसे तू बोल रहा था कि अगर दिवाली में जाएंगे तो बच्चों को बीमारी हो सकती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाएगा अचानक से। एक्चुअली क्या होता है अचानक से, कैसा ना, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग है। और मुंबई जाके क्या होता है, जब इतना टाइम कोई ऐसा एयर से एक्सपोज रहता है और झट से वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो खराब होता है, मेरा और शानिस का चलेगा, हम लोग को आदत है। लेकिन बच्चे लोगों का कैसा ना, बिकॉज एयर क्वालिटी इंडेक्स वो 1-2 दिन के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। आपने देखा होगा, आप और हमको गला वाला खराब होता है, लेकिन बच्चे थोड़े ना बोल पाएंगे। चलो एक बार स्काई पे भी ठीक है, स्काई ने भी दिवाली देख ली है, लेकिन इवाना का क्या ना, झट से जाएंगे कुछ ऊपर नीचे हो गया। क्या हो बेटा, कैरी हो तो वो ही सीन है। तो कोई नहीं, लेकिन दिवाली नहीं तो सही, तेरे बर्थडे को तो घर पहुंच ही जाएंगे। हाँ, अभी बर्थडे के दिन, बर्थडे के पहले पहुंचने के आसार बहुत दिन हाई पहले, 2 दिन पहले बहुत हाई। बुलाओ सबको, ऐसे खुश हो रहा है जैसे कि तेरे को बड़ा मजा आ रहा है कि तेरे बर्थडे को तो मुंबई होने वाला है। तेरे को तेरा बर्थडे का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मेरे को मेरा बर्थडे का फर्क नहीं पड़ता, मेरे को दिवाली चाहिए थी। मेरा बर्थडे चले जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे खुशी मम्मी के साथ, तो लक्ष्मी पूजा करनी है। मुझे खुशी होगी क्यों हो रही है, बिकॉज मम्मी को तेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने मिलेगी तेरे साथ। मेरी मम्मी को हाँ मिलेगी, लेकिन मेरी मम्मी एंड मेरा कैसा ना, देख हमने भी देखो लक्ष्मी पूजा की है, मैं बैठ रहा था तो वो एक अलग दिवाली का वाइब, बहुत अलग है यार। दिवाली का वाइब बर्थडे के सामने, सॉरी बर्थडे का वाइब दिवाली के सामने कुछ ही नहीं। और तेरा हमेशा बर्थडे ऑलमोस्ट दिवाली के टाइम पे याद आ रहा है, और इनफैक्ट दिवाली के दिन भी मेरा बर्थडे, लास्ट भी दिवाली के टाइम पे था। हां, सो वो थोड़ा कायू के बर्थ के पहले भी दिवाली के टाइम पे था यहां पे। हां याद है मुझे, तो वही है। तो सबको बुलाओ एयरपोर्ट, आ जाओ गाइस, चलो आ जाओ मीटअप काई के लिए। अभी पुलिस की वैन लेके जाएगी मेरे घर पे। तो सब्सक्राइबर्स की बात कर रहा था, मुझे लगा फैमिली वाली, फैमिली तो आएगी, फैमिली तो आएगी, लेकिन पटेली पटेली अभी पटेली फटेली अभी क्या करे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती ना मेरी। कंट्रोवर्सी इज द किंग, कंटेंट इज द किंग। नहीं, कंट्रोवर्सी इज द किंग। किसी को टारगेट करके नहीं बोल रहा, लेट बी गुड और बैड, आजकल सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीज ही अनफॉर्चूनेटली चलती है ना बेटा। कुछ कंट्रोवर्सी बोलना कान में ऐसा। हाँ, अच्छा अभी नहीं। दुदू दुदू कॉज नॉट कंट्रोवर्सी बेटा, दुदू इज नॉट कंट्रोवर्सी, ओके। रवि, मैं फ्लाइट टिकट चेक कर रहा था। हाँ, यूएसए चीप तो है भाई, बहुत चीप है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम लोग यहाँ से लेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। बिकॉज ऑल दैट प्रॉब्लम ऑफ गोइंग टू यूएस समवेयर एंड देन वहाँ पर रुको, वहाँ पर वापस एयरपोर्ट जाओ, ये जाओ, यहाँ से एयरपोर्ट है बहुत नज़दीक, आराम से हो जाएगा। हाँ, बस ये देखना है हम लोगों को, भले एक्सपेंसिव रहे, कि हम लोग सबको एक साथ सीट मिले। बिकॉज बिजनेस तो हम जाएंगे नहीं, बिकॉज स्काई अकेली बैठती नहीं है, इवाना को लेके बैठना ही पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग को एक
या तो बल्कहेड सीट मिल जाए जहाँ पर बैसिनेट हो, ना बैसिनेट हो तो बेटर होगा ना, पैसिनेट वाली मिल गई, अगर वो नहीं मिल रही बिकॉज वो पहले भरती है तो एटलीस्ट सब एक साथ सीट मिल जाए, ऐसी नहीं कि एक ए बी उधर डी उधर के, फिर वो तो नहीं चलेगा। हम एज वी आर गोइंग एज अ फैमिली एंड वी वॉन्ट गो इन अ रिस्पेक्टेड एयरलाइन, कि कोई एमिरेट्स होगी, एतिहाद होगी, एयर इंडिया होगी, यू नो कि हमको पता है कि हमसे ट्रैवल कर चुके हैं, तो वट एवर इट इज़, अगर कोई सजेशन है, कोई हेल्प कर सकता है, कोई हेड ट्रैवलिंग टूरिज्म बोर्ड में, तो हेल्प इज़ ऑलवेज अप्रिशिएटेड। तो बस गाइस इतना ही आपको गुड न्यूज़ शेयर करनी थी, अभी अगले व्लॉग में होपफुली एवरीथिंग, इफ शैनस मेड सम नाइस वीडियो ऑफ इवाना, तो अगले वीडियो में आप लोगों के लिए पहले होगा हमारे मेंबर्स लोगों के लिए फेस रिवील, एंड देन आप लोगों के लिए भी आ जाएगा। मुझे पता है आप लोग इधर उधर स्क्रीनशॉट लेके देखते हो, बट वो अच्छे से जो हमने फेस रिवील करवाया है, जो मेमोरी की है, वो अलग ही होता है। एनी वेज यहाँ तक देख लिया, अच्छा लगा है तो थैंक यू सो वेरी मच, लाइक बटन दबाओ, नए सब्सक्राइब करो, दिस इज ऑलवेज शुक्रिया विद द मासल, टेक केयर एंड डू व्हाटएवर माय लवली फ्रेंड्स, आरडी सबको शंभा के टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।